नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजा वायर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है और कौन सा साइट रहने वाला है जहां आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और दोस्तों बात करें इसकी, यदि आप इसमें अप्लाई किए हैं तो अभी के अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इन सब चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसको जो आईपीओ का जो ओपनिंग होगा आपको 29 सितंबर के दिन होता हुआ दिखेगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई आपको 4 अक्टूबर के दिन रखी गई है। और बात करें इसके अलॉटमेंट की तो आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपको इसमें लगाते हैं आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको 9 अक्टूबर के दिन इसका अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, और यदि आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपको जो पैसे हैं आपको 10 अक्टूबर के दिन रिफंड कर दिए जाएंगे। और आप लकी रहते हैं, यदि आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको डीमैट अकाउंट में 11 अक्टूबर के दिन इसका अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों बात करें इसकी लिस्टिंग की तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया आपको 12 अक्टूबर के दिन रखा गया है। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है आपका 51 से 54 रुपीज़ है, और एक लॉट में आपका 277 शेयर होने वाले हैं। बात करें इस आईपीओ को टोटल साइज की तो आपको देखने को मिलेगा कि 71.28 करोड़ का इस आईपीओ का पूरा साइज है। और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो आपको इसके जो लिस्टिंग है बीएससी और आपका एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। दोस्तों बात करें प्लाजा वायर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डाटा की तो आपको देखने को मिलेगी जो आपका आईपीओ है ओवरऑल आपका 160 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिसमें आपका रिटेल ने इसको 374 टाइम्स और आपका क्यूआईबी ने आपको 42 टाइम्स और आपका एचएनआई ने 388 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। बात करें तो रिटेल की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा इसमें आईपीओ में सेकंड नंबर पर लगता हुआ दिख रहा है, और इस आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है वो आपका एचएनआई कैटेगरी से लगा है, जिन्होंने आपका 4149 करोड़ का पैसा लगा है। और सेकंड तो बात की जाए सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है वो आपको रिटेल कैटेगरी से लगा, जहां पे आपको 2671 करोड़ का रुपया लगता हुआ दिख रहा है। और सबसे जो थर्ड नंबर पर है जो क्यूआईबी की तरफ से लगा है, जो आपको 1433 करोड़ का पूरा इसमें एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि यदि केवाईबी की अगर बात करें तो इन्होंने आपको तीसरे दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन किया है, जो आपको 42 टाइम सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है। और यदि बात करें इसमें आपको रिटेल के चांसेस को यदि आपने अप्लाई किया है तो आपको देखने को मिला कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 400 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। और अगर पर 100 एप्लीकेशन पर बात करें तो आपको 0.25 टाइम्स आपको देखने को मिला कि किसी एक बंदे को मिलने का जो चांसेस दिख रहा है। और ऐसे अगर बात करें तो आप अराउंड टू अराउंड मान सकते हैं कि 400 लोगों में से किसी एक बंदे को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें नजर डालते हैं, यदि आप इसमें अप्लाई किए तो आपको कितने के प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और इसके अनुसार कितने क्या प्रॉफिट आपको देखने को शो कर रहा है। तो चलिए इसके जीएमपी पे नजर डालते हैं। अगर प्लाजा वायर आईपीओ को जीएमपी की तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो जीएमपी है आपका 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड है आपको 54 रुपये का है। दोनों को ऐड करने के बाद आपको 77 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज बाई गेन की बात की जाए तो आपको 42 से 43% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि इसके जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलेगा आपको जल्द से वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके जीएमपी की तो देखने को मिलेगा इसका जो जीएमपी आपको 24 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसके लोएस्ट जीएमपी की बात करें तो इसने आपको 0 रुपये का लो भी लगाया। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका जीएमपी। यदि आप इसमें अप्लाई किए हैं तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस आपको कैसे देखना है और कहाँ देखना, चलिए इसमें बात करते हैं। आपको देखने को मिला कि आप दो प्रकार से इसका अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। एक तो आपको बीएससी के साइट पर जाकर देख सकते हैं, और दूसरा आपको इसका जो रजिस्ट्रार है आपको केफिनटेक वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले आपको बीएससी के साइट पर लेकर चलेंगे, वहां से आपको चेक करके बताएंगे, उसके बाद आपको केफिनटेक के वेबसाइट पर लेकर चलेंगे। तो चलिए पहले हम आपको बीएससी के साइट पर लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको केफिनटेक पर लेकर चलेंगे। तो चलिए बीएससी की साइट पर ओपन करते हैं। और दोस्तों इसका जो आपका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इजीली अपना डाटा को चेक कर सकते हैं आपको अलॉटमेंट मिला है या आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। वो देखने को मिला कि हम आपको बीएससी इंडिया के साइट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिला कि एप्लीकेशन का स्टेटस, वहाँ आपको क्या करना है इक्विटी और डेब्ट आपको देखना, आपको इक्विटी पे क्लिक करना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें फिर आपको देखना है फिर आप इशूअर नेम, तो इशूअर नेम आपको क्या करना है फिर इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने पर आपको देखने को मिलेगा इसमें प्लाजा वायर आईपीओ का नाम आ रहा है, आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें दो ऑप्शन आएगा, आपको एक दूसरा पहले आपका एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपका हो गया पेन कार्ड नंबर। तो आपको पेन कार्ड नंबर डाल लीजिए क्योंकि पेन कार्ड नंबर इजीली अवेलेबल रहता है और आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। पेन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट और रोबोट इस पर क्लिक करना है, और दूसरा आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ करने के बाद आपको आपका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और यदि इसमें आपको एप्लीकेशन नॉट फाइंड ऐसा लिखा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यदि आपको नहीं देखने को मिला तो आज रात को आपको 9-10 बजे तक इसका अलॉटमेंट आता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों आप घबराए बिल्कुल नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए तो एक तो आपको ये साइट हो गया, दूसरा आप इसका रजिस्ट्रार पर साइट लेकर चलते हैं, वहाँ आपको देखने को कैसे मिलेगा। तो चलिए आपको हम केफिनटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, वहाँ से भी आपको देखना बताते हैं कि वहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हैं।
दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला तो आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपका अलॉटमेंट इसमें आया नहीं है और जैसे इसमें आ जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप कैफ इनटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं कि वहाँ से आप कैसे इसमें देख सकते हैं। इस तरह का करके आप दोनों भी तरीके से अपना अलॉटमेंट स्टेटस को देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए आपको हम कैफ इनटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। हम कैफ इनटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें 4 से 5 आपको लिंक देखने को मिलेगा। आपको किसी भी एक लिंक पे क्लिक करना है और किसी भी एक लिंक क्लिक करने के बाद आपको एक क्या हुआ कि एक ऑफिशियल विंडो ओपन होकर आ जाएगा। जैसा सपोज कर हमने लिंक 1 पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं कि आपके सामने एक दूसरा विंडो ओपन होकर आ गया है। इसमें आपको कंपनी नेम सेलेक्ट करना है। ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि सो रीसेंट आईपीओ ओनली, तो जैसे कि आप इसमें सो रीसेंट आईपीओ भी इसको क्लिक कर दें ताकि अब क्या होगा जितना जो रीसेंट आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आपको आईपीओ का नेम सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको देखने में कि आईपीओ आप किस नाम से देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन वाइज या डीमेट अकाउंट से या पैन कार्ड नंबर से। तो सबसे पहले आप इसमें आईपीओ का नाम सेलेक्ट करेंगे। आईपीओ का नाम सेलेक्ट करें तो अभी देख सकते हैं इसमें अभी आपको नाम देखने को नहीं मिल रहा है प्लाजा वायर का। जैसे इसमें प्लाजा वायर का नाम आ जाएगा आपको देखने को मिलेगा। सपोज कि मैंने कोई एक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड नंबर। सपोज कि मैंने पैन कार्ड नंबर डाल के इसमें सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि पैन कार्ड नंबर क्या होता है, यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर आप आराम से उसमें डाल सकते हैं। दूसरा बात कि पैन कार्ड नंबर आपको इजीली अवेलेबल भी रहता है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ता, कितने लोगों को तो याद भी रहता है। इसके बाद आपको इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद इसमें कैप्चा डालना है, कैप्चा डालकर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप देख सकते हैं कि यदि आपको अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस आपको इजी स्टेप को फॉलो करके आपको इजी अपना देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो हुआ कि आपको कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें।